छतरपुर में तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में पिता समेत दो बच्चों की मौत हो गई। घटना बड़ा मलहरा थाने के सुक्कू नदी पुल की है। बाइक सवार अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ शादी में शामिल होने गया था। हादसे में पिता और एक बेटी व बेटा की मौत हो गई, जबकि माँ और एक मासूम बेटी गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारे मंजिले जी जाते जो वहाँ से रिश्तेदारी से लौट रहे थे शादी से, तो उनकी ट्रक मार के मतलब ट्रक वाले ने एक्सीडेंट कर दिया, उछल के चले गए। उसमें हमारी बहन और दो भांजी और एक भांजा था, जो पे हमारे जीजाजी स्पॉट पर ख़त्म हो गए हैं और दो भांजी हमारी ख़त्म हो गई हैं। और हमारी जो बहन थी वो अभी सीरियस है, इस हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से। जो हमारी भांजी थी मजली वाली, उसको भी पता है यहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, तो उस पर व्यवस्था होना चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सीधी बात है मेरी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी वो बच्ची आई थी, बोल रही थी, मुँह भी कुछ बोल रही थी, पानी पिया उसने, पता है यहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं है इस अस्पताल में, बड़े मलेरा में, बताओ वो भी खत्म हो गए हमारी भांजी। दो लोग स्पॉट पे ही खत्म हो गए। दशरथ अहरवाल अपने परिवार के साथ बबरोई गांव से रिश्तेदारी से अपने घर वापस नारायणपुर जा रहे थे। जैसे वो सुक्की नदी के पास आए तो वहाँ पे एक कंटेनर सामने से आ रहा था, कंटेनर से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें दो लोग स्पॉट पर खत्म हुए। आयुष उनका लड़का है 7 वर्ष का, वो दशरथ अहरवाल है जिनकी उम्र है 34 वर्ष। परिवार के 3 लोग और अभी हॉस्पिटल में हैं, उनके इलाज चल रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।